आज हम शुरू कर रहे हैं द स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स एंड टीचर परफॉर्मेंस अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल जो है वो एक तरीक़ार है बॉस का अपने जो मतहत लोग हैं उनसे उसने काम कैसे लेना है कैसे करवाना है उनकी गाइडेंस कैसे करनी है उनको मोटिवेट कैसे करना है अब इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं क्योंकि ये जो स्टाइल है ये अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ लेट्स से स्टाफ और हम यहाँ हमारा जो है स्टाफ वो टीचर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आप कह रहे हैं कि हेड टीचर है या प्रिंसिपल है और अगर बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है तो फिर और भी लोग हो सकते हैं जस्ट लाइक वाइस चांसलर द डीन और दी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट तो हम ये देखते हैं कि लीडरशिप स्टाइल अडाप्टिड डिपेंडिंग ऑन दी सरकमस्टांस ऑन द ग्राउंड अब ये सरकमस्टांसिस क्या हैं कल्चर क्या है, है वहाँ की पहले क्या तरीक़ेक है इनोवेशन्स क्या आ रही हैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं तो हम देखते हैं कि Uh, जो स्टैंडर्डाइज किस्म के कैटेगराइजेशन इन स्टाइल्स की की है उनमें एक कैटेगरी है ऑटोक्रेटिक वर्सेस डेमोक्रेटिक ये टू पोल्स हैं अब ये कह लें कि दो एक्सट्रीम्स हैं अब किसी जगह के ऊपर ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो सकता है किसी जगह के ऊपर ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सकता है सो फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम ये कहते हैं कि ये एक एक्सट्रीम है या दूसरी स्ट्रीम है तो यहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं उनका आइडिया ये है कि टू अटेन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू नेगलेक्ट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टाफ स्टाफ फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव करने हैं आ, जो से सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्ल uh, है या स्टाफ है वो उतनी इम्पोर्टेंट वहाँ नहीं है इसके मुकाबले में डेमोक्रेटिक मे बी मोर लाइक पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ अप्रोच जिसमें आप कह लें कि जो स्टाफ है उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन uh, की इनक्रेजमेंट दी जाती है दूसरा एक और स्टाइल है ओपन और उसके मुकाबले में क्लोज्ड क्लाइमेट स्टाफ स्टाइल ओपन क्लाइमेट वो है कि जिसमें प्रिंसिपल हैविंग हाई कंसिड्रेशन फॉर स्टाफ ए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन थ्रू एग्जाम्पल एंड नो क्लोज सुपरविजन सो बहुत सारी फ्रीडम दी हुई है स्टाफ कि दे हैव टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर लेटर्स से मोटिवेशन क्लोज क्लाइमेट ये है कि जिसमें देर इज ए गैप बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेटर एंड दाफ अलूफनेस है लेकिन क्लोज सुप्रविजन ज़रूर है और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं देर इज लो कंसिड्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल कंसिडरेशन अबाउट दीलिंगज ऑफ द स्टाफ मेम्बर्स फिर एक और है नो मैथिक ईडियोग्राफिक स्टाइल जो No mathetic ma leader hai. he is he or she is oriented towards the organization and its task at the expense of the satisfaction of personal needs of the of his staff. Here commitment to have organization, ke hai. commitment to team uh, It is more emphasis on the goal of the goals of the organization. ईडियोग्राफिक लीडर जो है ही टेंस टू मिनिमाइज दी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड इज़ और टूवर्ड्स पर्सनल रिलेशनशिप्स ईडियोग्राफिक इसमें जो ज़्यादा बात आ रही है वो ये है कि मे बी मोर ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्पल से आ, सेट की जाती हैं ज़रूरी नहीं कि को कहा ही जाए ये ऐसे ही है जैसे कि किसी आप देखते हैं कि बाथरूम के ऊपर बाथ बजाय इसके कि लफ्ज़ों में लिखा जाए को आइडिया जो है वो वहाँ ग्राफिकली पोट्रेट कर दिया जाता है तस्वीर तो बना दी जाती है आ, एक खातून की और एक मर्द की जिससे ये आइडिया नज़र आता है कि ये मर्दों के लिए है ये औरतों के लिए घुस लिखना है फिर एक और और कैटेगरी है ट्रांज़ेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांज़ेक्शनल इज़ मोर लाइक एक्सचेंज सिचुएशन इसमें है कि लीडर uh, है और फॉलोअर है और ज़्यादातर रिलेशन जो हैं डिपेंड कर रहे हैं रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन पर ट्रांसफॉर्मेशनल में है कि दी द प्रिंसिपल और द एडमिनिस्ट्रेटर वुड लाइक टू ट्रांसफॉर्म टू ग्रूम द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ उसमें उनकी इंस्पिरेशंस की बात हो सकती है मोटिवेशन की बात हो सकती है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बात हो सकती है एम्पावरमेंट की बात हो सकती है यानी उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आती है इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन एजुकेशन हैज़ इट्स कॉन्सिक्वेंस फॉर दी एजुकेशनल प्रोसेस तो जो भी है अब ये अफेक्ट करेगा टीचर की परफॉर्मेंस पर तो लोगों ने स्टडीज़ की हैं इधर उधर लेकिन पाकिस्तान में एक मज़े की स्टडी हुई है वो लाहौर के 106 स्कूलों पर हुई है और ये प्राइवेट स्कूल थे और मिड लेवल के जो मैनेजमेंट थी या पर्सनल थे वो रिस्पोंडेंट थे और 253 केसेस से ये स्टडी ली गई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई इसमें फोर लीडरशिप स्टाइल्स एंड फाइव की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उन्होंने रखे लीडरशिप स्टाइल में एक था डायरेक्टिव स्टाइल दूसरा पार्टिसिपेटिव स्टाइल तीसरा सपोर्टिव था और चौथा अचीवमेंट ओरिएंटेड और इसमें वो गोल पाथ थेरी जो है वो यूज़ की गई और उसमें आइडिया ये है गोल पाथ थेरी में कि टीचर्स जो हैं या जो एम्प्लॉज़ हैं उनको बताया जाता है कि गोल क्या है और वो गोल अचीव करने का तरीक़ार क्या है पाथ कौन सा है उसका लेटर से हाउ टू रीच दैट सो दैट इज काइंड ऑफ गोल पाथ थेरी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे कि कि टीचिंग प्लानिंग कैसे कर रहे हैं क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन कैसी है क्लासरूम एटमॉस्फेयर यानी डिसिप्लिन कैसा है और टीचर का कितना लीडरशिप स्टाइल है तो फाइंडिंग्स कुछ इस किस्म की आई हैं द डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल हैड ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन टीचर जॉब परफॉर्मेंस या दिस वॉज डायरेक्शन अगर दे रहे हैं तो अचीवमेंट हाई हो रही है डायरेक्शन की आ, अगर दूसरा कोई स्टाइल है तो उससे वो नहीं हुआ तो ये सबसे लेटर से टॉप पर आया कि अगर डायरेक्टिव अप्रोच है तो परफॉर्मेंस इज़ हाई और अगर बाकी हैं तो उससे फिर कम हो रही हैं दिस डायरेक्टिव लीडरशिप अप्रोच को फॉलो कर रही थी सपोर्टिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप वाज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोमिजिंग लेट्स ए प्रिडिक्टर ऑफ टीचर जॉब परफॉर्मेंस ये क्वाइट सरप्राइजिंग किस्म की फाइंडिंग्स थी रीज़न uh, इसके ये भी हो सकते हैं कि टीचर्स जॉब टास्क आर टास्क आर कॉम्प्लेक्स एंड इम्बिगस एंड देर परफॉर्मेंस गोल्स आर क्वाइट चैलेंजिंग यानी कोई क्लियर कट गोल्स स्पेसिफाई नहीं किए जाते टीचर्स को पता नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस उनसे ज़रूर लेनी है दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्शन फ्राम द एडमिनिस्ट्रेटर्स सो प्रिंसिपल है परसनल ऑब्लीगेशन टू कम्पलीट द टास्क अब प्रिंसिपल जो हैं वो चूँकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी थी दे आर आंसरेबल टू डेट्स द मैनेजमेंट और उनकी जो प्रिंसिपलशिप है उसकी कंटिन्यूशन ही डिपेंड कर रही है कि वहाँ की परफॉर्मेंस जो है ऑन टॉप है फिर टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट देर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ये भी सारा उनकी एक्सपेक्टेशन है इसलिए टीचर्स जो हैं दे वर लुकिंग फॉर डायरेक्शंस कि करना क्या है और ये कैसे करना है किस तरीके से वो जो है और मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो सकते हैं सो दे वर वेरी स्पेसिफिक सो टीचर्स वर बाउंड टू फॉलो डॉगमेटिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सर्कुलेटेड बाय द हेड ऑफिसर्स तो प्रिंसिपल जो हैं they only have to perform the, they only have to provide the directions to the teachers or the goals achieve achieved. so that was uh, a, a study in pakistani setting in the city of lahore